हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हमने 3.3 के 13 क्वेश्चन की बात कर ली। आज हम इसका 14 क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव कर रहे हैं साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x इक्वल में 4 कोस स्क्वायर x इनटू साइन 4x। इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं सॉल्यूशन में। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है, साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x। अब देखो यहाँ पर अगर इस साइन 6x को यहाँ पे ले तो फॉर्मूला लिख सकते हैं इसमें साइन x प्लस साइन y का, तो क्या लिख लेते हैं इसको, साइन 2x प्लस साइन 6x प्लस 2 साइन 4x। अब यहाँ पर साइन x प्लस साइन का फॉर्मूला अप्लाई करेगा, क्योंकि साइन x प्लस साइन y इक्वल मिल गया है 2 साइन x प्लस y अपॉन में 2 इनटू कोस x माइनस y अपॉन में 2। तो ये फॉर्मूला यहां पे अप्लाई करते हैं इसमें, तो 2 साइन x की वैल्यू यहां पर कितनी है 2x प्लस y की वैल्यू कितनी है 6x अपॉन में 2 इनटू कोस x माइनस y, x की वैल्यू कितनी है 2x माइनस y की वैल्यू कितनी है 6x अपॉन में 2। प्लस में क्या पड़ा इसके 2 साइन 4x, प्लस में क्या पड़ा इसके 2 साइन 4x। इसमें फॉर्मूला अप्लाई किया साइन x प्लस साइन y, तो क्या आ जाएगा यहां से 2 साइन 2x प्लस 6x 8x अपॉन में 2 इनटू cos 2x माइनस 6x माइनस के 4x अपॉन में 2 प्लस 2 साइन 4x 2 इंटू 4 8 2 इंटू 2 4, तो क्या आ गया यहां से हमारे पास 2 साइन 4x इंटू cos माइनस 2x प्लस में 2 साइन 4x। अब देखो यहां पर cos माइनस थीटा होता है हमारे पास, तो cos माइनस थीटा का हमें फॉर्मूला होता है, क्योंकि cos माइनस थीटा इक्वल में क्या होता है प्लस का cos थीटा, ये हो जाता है। तो यहां पर ये किसका हो जाएगा प्लस का, तो देखो यहां पर इसमें क्या बन गया यहां से 2 sin 4x। अब cos माइनस थीटा है तो प्लस का थीटा हो गया cos 2x प्लस में 2 sin 4x। अब यहां पर हमें sin 4x को लेके आना है, तो इस पूरे में से देख लो कॉमन क्या है 2 sin 4x, ब्रैकेट में क्या रह गया यहां पर cos 2x प्लस 1, क्या रह गया cos 2x प्लस 1। अब यहां पर राइट हैंड साइड में देखें तो हमें और क्या लेके आना है cos स्क्वायर x, तो इस cos वाले फॉर्मूले को किसने चेंज करोगे cos में ही चेंज करोगे, तो चूंकि cos 2 थीटा इक्वल में क्या आता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, cos 2 थीटा इक्वल क्या आता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर यहां पर भी sin होता तो इसमें sin का फॉर्मूला लगा देते 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। तो अब यहां पर cos 2 थीटा की वैल्यू रखोगे तो 2 sin 4x इनटू cos 2x की 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और प्लस का 1 माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल 2 इनटू 2 4 cos स्क्वायर x इनटू sin 4x। यहां पर भी क्या लिखा आया था 4 cos स्क्वायर x इनटू sin 4x, तो ये किसके इक्वल है यहां पर हमारे पास राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी प्रूव करना है नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो देखो यहां पर इस क्वेश्चन में क्या दिया नेक्स्ट में, cos 4x इनटू sin 5x प्लस sin 3x sin 5x प्लस sin 3x इक्वल में इसके लिए लिखा है cot x इनटू sin 5x
माइनस साइन 3x, माइनस का साइन 3x। इसको यहां पर सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, इसमें ये प्रूव कर रहे हैं ये जो है इसके इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x, प्लस में साइन 3x। अब यहां पर फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है इसमें, साइन एक्स प्लस साइन वाई, क्या आता है इसका फॉर्मूला, चूंकि साइन एक्स प्लस साइन वाई इक्वल में 2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन में 2 इंटू कोस एक्स माइनस वाई अपॉन में 2, यही फॉर्मूला होता है। तो कोट थीटा, तो यहां पर कोट थीटा इक्वल क्या होता है, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, कोस थीटा इक्वल क्या आता है, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो कोट 4x को क्या लिखेंगे यहां पर, कोस 4x अपॉन में साइन 4x इनटू साइन एक्स प्लस साइन वाई, तो 2 साइन 5x प्लस 3x अपॉन में 2, ये हो गया साइन एक्स प्लस वाई अपॉन में 2 इंटू कोस 5x माइनस 3x अपॉन में 2, तो कोस 4x अपॉन में साइन 4x इंटू 2 साइन 5x प्लस 3x 8x अपॉन में 2, कोस 5x माइनस 3x 2x अपॉन में 2, 2 इंटू 4 8, 2 से यहां पर ये 2 कैंसिल बना ये, तो कोस 4x अपॉन में साइन 4x इंटू 2 साइन 4x इंटू कोस x इंटू कोस x। अब यहां पर इसमें साइन 4x से साइन 4x कैंसिल, क्या रह गया यहां पर 2 कोस 4x इंटू कोस x, क्या है 2 cos 4x into cos x। अब क्या करोगे इस राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करोगे, तो राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, यहां पर दोनों साइडों की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए, तो राइट हैंड साइड लेके चलते हैं, cot x into sin 5x माइनस sin 3x, कोट थीटा इक्वल क्या होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, यहां है साइन सी माइनस साइन डी या साइन एक्स माइनस साइन वाई, तो साइन एक्स माइनस साइन वाई। अब माइनस आ गया तो इसमें क्या होता है, कोस पहले आ जाता है, तो क्या आ जाता है 2 कोस एक्स प्लस वाई अपॉन में 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई अपॉन में, ये फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करेंगे, कोट एक्स कोस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू 2 कोस 5x प्लस 3x अपॉन में 2 इंटू साइन 5x माइनस 3x अपॉन में 2। अब यहां से कोस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू 2 cos 5x plus 3x 8x 8x upon me 2 कितना आ जाएगा 4x sin 5x minus 3x 2x 2x upon me 2 तो कितना आ जाएगा x sin x से sin x cancel तो क्या रह गया यहां पर 2 cos 4x into me cos x। यहां भी यही चीज है, तो यहां से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड, यही प्रूफ बना था कि ये लेफ्ट हैंड साइड इस राइट हैंड साइड के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रूफ भी इसने करना है, देखो क्या दिया इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है cos 9x माइनस
cos 9x माइनस cos 5x cos 5x अपॉन में sin 17x माइनस sin 3x इक्वल में इसके हमें प्रूव करना है माइनस sin 2x अपॉन में cos 10x. क्या प्रूव करना है माइनस sin 2x अपॉन में cos 10x. तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं इसकी. लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है cos 9x माइनस cos 5x अपॉन में sin 17x माइनस sin 3x. अब देखो यहां पर फॉर्मूला अप्लाई कौन सा होगा इसमें cos x माइनस cos y इसलिए कौन सा अप्लाई होगा sin x माइनस sin y. तो क्या आते हैं इसके फॉर्मूले cos x माइनस cos y इक्वल में 2 sin x प्लस y अपॉन में 2 sin y माइनस x अपॉन में 2. ऐसे नहीं लिखना तो हम यहां पर माइनस लगा लेते हैं. इसको क्या लिख लेते हैं फिर x माइनस y अपॉन यहां फॉर्मूला sin x माइनस sin y इक्वल 2 cos x प्लस y अपॉन में 2 sin x माइनस y अपॉन में 2. यहां फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 2 sin x प्लस y x की वैल्यू कितनी है 9x प्लस y की वैल्यू 5x अपॉन में 2 इनटू sin y माइनस x. तो y की वैल्यू यहां पर 5x माइनस x की वैल्यू 9x अपॉन में 2 और पूरे के अपॉन में sin x माइनस sin y. तो 2 cos 17x प्लस 3x अपॉन में 2 इनटू sin x माइनस y 17x माइनस 3x अपॉन में 2. ये आ जाएगा यहां तो 2 से 2 कैंसिल sin 9x प्लस 5x 14x अपॉन में 2 इनटू sin 5x माइनस 9x माइनस के 4x अपॉन में 2 पूरे के अपॉन में cos 17x प्लस 3x 20x अपॉन में 2 इनटू sin 17x माइनस 3x 14x अपॉन में 2 2 7 14 फिर 2 इनटू 2 4 फिर 2 इनटू 10 20 2 इनटू 7 14. तो यहां से हमारे पास क्या आएगा इसमें sin sin 17x इनटू sin माइनस 2x अपॉन में cos 10x इनटू sin 7x इनटू sin 7x यहां भी sin 7x sin माइनस 2x sin cos 10x sin 7x sin 7x sin 7x कैंसिल. अब यहां पर है sin माइनस थीटा तो चूंकि sin माइनस थीटा इक्वल क्या होता है माइनस का sin क्या होता है माइनस का sin तो क्या ये माइनस sin 2x अपॉन में cos 10x यहां भी क्या लिखा है माइनस sin 2x अपॉन में cos 10x. तो ये किसके इक्वल है राइट हैंड साइड. बाकी इसका 17 क्वेश्चन इसी प्रकार से फॉर्मूला अप्लाई करना है स्वयं करोगे. 18 क्वेश्चन 19 क्वेश्चन तक स्वयं करोगे. इसी प्रकार से इसमें फॉर्मूले ही अप्लाई होने हैं फिर भी कोई
दिक्कत हो तो आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो। बाकी इसके क्वेश्चन 20 से नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।